Good morning, students. Today I teach you SST standard third chapter 15 Mumbai. Last class में हम लोगों ने chapter 14 तक complete किया था, जो कि दिल्ली chapter था, and जो today's chapter है वो मुंबई है. Okay, मुंबई के बारे में पढ़ेंगे. So let's start. Okay, so ये chapter आपका 15 मुंबई है. मुंबई is one of the biggest and busiest सिटी ऑफ इंडिया. मुंबई जो है एक सब बड़ा इंडिया का एक बड़ा और सबसे बड़ा बोल सकते हैं और सबसे बिजी रहने वाला शहर है. एंड इट इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र. इसकी जो कैपिटल है वो महाराष्ट्र है. एंड इट्स ऑल्सो कॉल्ड द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया. इसको जो इंडिया के फाइनेंशियल कैपिटल भी जानते हैं. ओके, अब यहाँ पर आपको ये जो इंडियन मैप है इसमें आपको बताया गया है कि मुंबई किस जगह पे है. सो आप हम इसको आपको झूम करके दिखा रहे हैं कि जो मुंबई है इस टाइप का ये आपका यहाँ पर इंडियन मैप है इसमें. एंड ये देखो यहाँ पर ये जो रेड पॉइंट है एंड जहाँ मैंने पेंसिल रखा हुआ है तो यहाँ पे ये मुंबई है. ओके, एंड ये जो पास में इसके मैप दिया गया है ये मुंबई का मैप दिया गया है. इंडिया में जो मुंबई है वो इस जगह पे है. और एक चीज है यहाँ पे, आप जरा जूम करके देख सकते हैं, यहाँ पे जो मुंबई है इसके पास में अरेबियन सी है. ओके, सो अब इसमें आप देखेंगे यहाँ जो इंडिया का सॉरी ये जो मुंबई का मैप है वो इस तरीके से आपने देख लिया होगा. एंड अब हम लोग चैप्टर रीड करेंगे नेक्स्ट. यहाँ से लोकेशन एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड. अब यहाँ पर उसकी लोकेशन क्या है एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है. अभी हमने आपको सिर्फ मैप में दिखाया था. ओके, ये अच्छा एक चीज और है, यहाँ जो मैप था वो पॉलिटिकल मैप का यूज हुआ था. ओके, क्योंकि पॉलिटिकल मैप मैंने जब लास्ट क्लास में आगे टाइप में पढ़ा था मैप के बारे में, तो उसमें टू टाइप के मैप बताए थे, फिजिकल मैप एंड पॉलिटिकल मैप. सो यहाँ पर सिटी जो है एंड मेजर स्टेट्स एंड सिटीज के बारे में जिसमें था तो वो पॉलिटिकल मैप होता है. एंड रिवर प्लेटोज इनके बारे में था और जो डेजर्ट वगैरह है तो वो फिजिकल मैप में होता है. ओके, सो यहाँ पे लुक एट द पॉलिटिकल मैप. आपने ये इंडिया का पॉलिटिकल मैप देखा है. एंड मुंबई इज लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया. ये जो मुंबई जो है वो इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पर स्थित है इन महाराष्ट्र और इट फेसेस अरेबियन सी. तो वहां उसके पास में क्या था, अरेबियन सी. मैंने दिखाया था आपको अर्लियर मुंबई वाज ग्रुप ऑफ सेवन आइलैंड्स नेम. जो मुंबई है वहां पर क्या था, सेवन आइलैंड्स ऑफ ग्रुप का ग्रुप था जिसका नाम था माहिम, बर्ली, परेल, माजगांव, मुंबई बम्बई, लिटिल कोलावा एंड कोलावा. सो ये पहले क्या था, सेवन आइलैंड्स ग्रुप और थे आइलैंड के ग्रुप मुंबई में. एंड द ब्रिटिश टू केयर ऑफ आइलैंड्स एंड नेम्ड इट मुंबई. जो ब्रिटिश लोग थे उन्होंने क्या इसका नेम बम्बई रखा. ओके, इस टाइप से आपने देखा. एंड ये जो सेवन ग्रुप ऑफ आइलैंड के थे इसको हम नेक्स्ट आगे भी जो पेज है उसमें दिखाते हैं कि कहाँ पर है मैप में. ओके, सो यहाँ पे नेक्स्ट है, इन 1947 बॉम्बे वाज डिक्लेयर्ड ए स्टेट विद मुंबई सिटी इज द कैपिटल. 1947 में जो बॉम्बे है उसको डिक्लेयर किया गया था, उसकी जो कैपिटल है मुंबई उसके. एंड लेटर ऑन इट वाज डिवाइडेड इनटू महाराष्ट्र एंड गुजरात. और फिर बाद में क्या किया था, जो बॉम्बे को दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक महाराष्ट्र एंड गुजरात में. ओके, आगे द सिटी वाज रिनेम्ड मुंबई इन 1996. और फिर इसके बाद में जो सिटी है मुंबई उसका रिनेम हुआ था बम्बई का, जो बम्बई पहले बोलते थे BUMBI बॉम्बे बोलते थे उसको, अब उसको क्या हुआ रिनेम किया गया तो मुंबई बोला गया. अब जी कब हुआ, 1996 में. ओके, अब यहाँ पर हम लोगों जो लास्ट पेज पे पढ़ा था वो जो सेवन आइलैंड ऑफ ग्रुप थे उसको हम एक मैप में यहाँ दिखा सकते हैं आपको जो दिया गया है. एक तो ये माहिम है, इस जगह बर्ली है, परेल, माजगांव, बॉम्बे, लिटिल कोलावा एंड कोलावा. सो मैप ऑफ ओल्ड सेवन आइलैंड ऑफ दैट मैड मुंबई. जो ओल्ड आइलैंड्स मुंबई में ये थे बन रहे थे उसको हमने मैप में आपको दिखाया जो कि यहाँ साइड से दिया गया था. ओके, अब इसके जो क्लाइमेट है और गवर्नमेंट ऑफिस है इनके बारे में और कुछ विजिटिंग प्लेस हैं जिनको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. एंड जो आपका होमवर्क है आप इसको एक बार रिवाइज कर लेना. एंड जो सेवन जो आइलैंड्स थे इनको एक बार रिवाइज कर लेना. एंड तो पूरा चैप्टर आपको जितना पढ़ाया आज का वर्क उसको रिवाइज करना है. एंड आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे का पढ़ेंगे. ओके, सो थैंक यू.